आ रहा है, क्योंकि 15 लाख अकाउंट में मेरे तो नहीं आए। मुझे पूरी उम्मीद है, आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं आप दोनों, तो मुझे उम्मीद है आपके अकाउंट में भी नहीं आए होंगे। काला धन आने की बात थी, मैंने भी नहीं सुनी, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 20 करोड़ नौकरी आपको भी पता चला होगा, नहीं आई। मेरे को भी पता चला, नहीं आई। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो क्या हाल हुआ आपको पता ही है, मणिपुर से लेकर, हाथरस से लेकर, कानपुर से लेकर, और पहलवान बेटियों से लेकर क्या हाल हुआ, अभी मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ, ये तो आपको पता ही है। तो जो मातृशक्ति है, युवा है, किसान है, वो सारे नाराज है। इसके साथ जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया का, वो सूत्र पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज पूरा लामबद्ध हो गया था समाजवादी पार्टी और गठबंधन, उसका असर आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। जिम्मेदार चैनल आपका है और आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, और हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होने जा रहा है। यूपी में आप पीडीए या फिर इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं फिर इस हिसाब से? अगर आप कह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे थे और इतनी नाराजगी लोगों के भीतर थी, तो फिर अखिलेश यादव की मेहनत, राहुल गांधी की मेहनत के किस नंबर तक जाती दिखाई दे रही है आपके लिए? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम 79 सीट पे तो जीत ही रहे थे, लेकिन क्यूटो की सीट फंसी हुई थी। अच्छा। लेकिन चूंकि क्यूटो के लोगों ने तय करना है कि क्यूटो बना कि नहीं बना है, अगर क्यूटो बन गया होगा तो बनारस बीजेपी जीत जाएगी, अगर क्यूटो नहीं बने होगा तो हम वो भी जीत। अरे सर, रैली आप लोगों ने की वहां पर, दोनों जिनको बकायदा बीजेपी शहजादे कहती है, दोनों लोग वहां पर रोड शो करके गए, तो क्या ये पता नहीं चला कि क्यूटो बना है कि नहीं बना है? वो सीट अभी फंसी है कि निकल रही है आपके पक्ष में? मैं वो देखने का काम करता हूँ कि क्यूटो में किस प्रकार जो निषाद समाज के लोग थे, जो नाविक समाज थे, उन लोगों का रोजगार खत्म करने का काम इस सरकार ने करा। जो हथकर का उद्योग था वहाँ का, जो उसको खत्म करने का काम इन्होंने करा। और बनारस में जिस प्रकार एक बेटी का रेप, बीएचयू की बेटी का रेप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा, उसमें बहुत मातृशक्ति रोष है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम क्यूटो भी जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में, जोशी जी, बीजेपी का तो यही कहना है कि जीत तो रहे हैं, लेकिन कितने अंतर से जीतेंगे वही देखना होगा। आपके पास बता दें कि 7वें चरण, अंतिम चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है, और थोड़ी ही देर में न्यूज नेशन पर आप देखिएगा सबसे सटीक एग्जिट पोल, ये बड़ी जानकारी। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न यहां पर हुआ, और अब 4 जून की तारीख जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, जो धुंधली सी तस्वीर है जिसमें तमाम दावे वादे और प्रतिक्रियाएं हैं, वो 4 जून के बाद ही साफ हो पाएगी, किसकी सत्ता बनेगी, किसको शिकस्त मिलेगी, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखा जिस तरीके से साथ काफी लंबा इस बार चुनावी प्रक्रिया चली है, लेकिन अभी 6 बजने के साथ ही, हालांकि जो लोग कतार में होंगे वो लोग बकायदा भी वोट कर पाएंगे कुछ देर में, बिल्कुल जो आंकड़े हैं इस बार के साथ में फेस के वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे कितना वोट परसेंट हुआ। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई, यानी 7वां चरण संपन्न हो चुका है, और थोड़ी देर में आप न्यूज नेशन पर एग्जिट पोल, बिल्कुल सटीक जो आंकड़े हैं, सटीक जो सर्वे के आधार पर नंबर है, वो हम आपको दिखाएंगे बताएंगे, और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, जो लोग पोलिंग बूथ पर इस वक्त लगे हैं वो वोट कर सकते हैं, यानी 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। देश के हर हिस्से में बेहतर तरीके से इस बार चुनाव आयोग ने पूरी वोटिंग प्रक्रिया को संपन्न करवाया है, और जाहिर सी बात है कि इतना लंबा चुनाव होने के बावजूद यहां पर सारी चीजें व्यवस्थित दिखी और अच्छा खासा वोट परसेंट हर जगह दिखाई दिया। लेकिन इस बार बंगाल से और कई जगहों से रंजना खबर आ रही कि काफी अच्छी वोटिंग हुई है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी ये है क्योंकि लोकतंत्र का ये पड़ है, और ये मौका संजय फिर 5 सालों बाद मिलेगा, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि जो तस्वीर 1-2 राज्यों से निकलकर सामने आई वो सभी राज्यों से निकलकर सामने आती है। बहरहाल एक बड़ी चुनौती गर्मियों की भी देखने को मिली कि गर्मी बहुत ज्यादा इस बार होने की वजह से नौतपा चूंकि शुरू हो चुका है, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, और कई लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी भी देखने को मिली। अब जोशी जी, सवाल ये भी है कि अब जैसे कि जिक्र आप कर रहे थे कि जो सवाल मैंने पूछा क्या भूचाल आएगा, उसका भी आपने जवाब नहीं साफ तौर पर दिया। संजय ने पूछा कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, अभी भी बैठक भी हुई है मल्लिकार्जुन, उसका भी जवाब आपने साफ, तो एक सवाल मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप एकदम साफ साफ और सटीक जवाब देंगे कि कन्नौज से आखिरकार मैदान में अखिलेश यादव को क्यों आना पड़ा, विधायक वो थे कड़हल से, आखिरी वक्त पर आए हैं वो मैदान में। देखिए, कन्नौज से जो उनकी आत्मीयता है वो किसी से छुपी नहीं है, कन्नौज से आत्मीयता इसलिए है
कि जो प्रथम बार सदन में जाने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज से करा है, और कन्नौज जो है समाजवादियों को हमेशा उर्वरक देने का काम करता है। समय क्यों लगता है सर? आदरणीय जी वहां से जीते, आदरणीय नेताजी वहां से जीते, आदरणीय अखिलेश जीते। कन्नौज के लोगों से जो अखिलेश जी का अटैचमेंट है वो एक नेता और जनता का नहीं, वो अखिलेश जी आज भी उसी फीलिंग में रहते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रथम बार सदन में भेजने का काम करे। उनसे कन्नौज से उनका भावनात्मक लगाव सबसे ज्यादा है, ये मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते फील। लेकिन नामांकन के एक दिन पहले, ठीक नामांकन के एक दिन पहले उनके नाम का ऐलान हुआ, तब तक कयास कुछ और चल रहे थे, और जब इतना ही लगाव था तो फ्रंट फुट में पहले से मैदान में वो क्यों नहीं आए? क्या वजह रही कि आखिरी वक्त पर उन्होंने वो पत्ता खोला? देखिए, जो जनतंत्र होता है उसमें जनता फैसला लेती है। जब जनता का दबाव वहां पर आया कि मान लीजिए हम तो केवल आपको चाहते हैं, जब ये जनता ने तय कर दिया तो उन्होंने कहा कि कन्नौज वासी मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं इनकी बात नहीं रख गिर पाऊंगा, और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला करा। क्योंकि पूरा कन्नौज, मैं वहां पर खुद एक हफ्ते कन्नौज में कैंप करा, मैंने मैनपुरी में करा, आजमगढ़ में करा, तो कन्नौज की जो भावना है, कन्नौज का जो फीलिंग है अखिलेश जी के प्रति और अखिलेश जी का कन्नौज के प्रति, उसको राजनीतिक तो ये फीलिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, ये कंटिन्यू रहेगी या आजमगढ़ की तरह 3 साल बाद वहां बाय इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा? देखिए, कन्नौज जीत जाएंगे, कन्नौज छोड़ के ये फीलिंग नहीं है। कन्नौज के प्रति ये फीलिंग है कि कन्नौज का व्यक्ति जब माननीय अखिलेश यादव जी से लखनऊ मिलने आता है तो सबसे पहले अगर कोई घंटी बजती है तो केवल कन्नौज के लोगों के लिए बनती है। इस प्यार को ना तो पत्रकार समझ सकते, ना इस पत्रकार को कोई पॉलिटिशियन समझ सकते। पत्रकार तो समझ लेंगे, नहीं समझेंगे वो हमारी जिम्मेदारी, छोड़ दीजिए। यूपी की जनता समझती है, समझना चाहती, पूछना चाहती कि करहल से वो विधानसभा के सदस्य रहेंगे या लोकसभा में जाएंगे, तो यूपी में फिर विधानसभा